तो वही दूसरी तरफ परिवहन विभाग की ओर से जवाहर सर्कल पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। परिवहन विभाग की ओर से यह अभियान अगले एक महीने तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर जयपुर हेरिटेज मेयर मनीष गुर्जर से खास बातचीत की संवाददाता मुबारक खान ने। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान परिवहन विभाग की ओर से चालू किया गया। इस मौके पर जो शहर की पहली महिला मेयर हैं मुनेश गुज्जर जी, वो भी यहाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आज प्रदेश के अंदर जो बढ़ती दुर्घटना उसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया, क्या कहेंगे? ये एक बहुत बेहतर ही कार्य है प्रोग्राम लेना। इससे क्या है कि जनता में अवेयरनेस आएगी और मैं खुद भी वार्ड स्तर पर ऐसे कार्यक्रम करूँगी। और मैं जयपुर की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि हेलमेट ज़रूर पहने, ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। सीट बेल्ट लगाएं। हमारे माननीय प्रताप जी भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी सीट बेल्ट लगाते हैं। तो इससे आपका कोई खुद की सेफ्टी है, आपका परिवार पीछे आपकी राह देख रहा होता है, इसलिए इसको समझे। आप एक के प्रति कितने ही परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस चीज़ को अवेयरनेस रखें, हेलमेट पहने। हम हमारे बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाते हैं जब किताबों से, जब हम उसे खुद अपने आप पर लागू नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे, इसलिए ये बेहतर ही है कि आप सीट बेल्ट पहने। मैम, शहर के अंदर पिछले दिनों देखा गया था एक बड़ी दुर्घटना ट्रक ट्रोले से हुई, उसको लेकर अब शहर में भी क्या इस तरह के प्रोग्राम आयोजित नगर निगम की ओर से किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे, हम वार्ड स्तर पर सभी वार्डों में इस तरह के चलाएंगे। और ये प्रोग्राम करने का मंजर ही यही होता है कि जनता जागरूक रहे। और ये प्रति एक किसी भी नगर निगम या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, इसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। वो खुद अपने स्तर पर खुद की सेफ्टी है, जान से भला है कि 2 मिनट 10 मिनट की देरी हो जाए लेकिन आप सुरक्षित रहें। जी, ये थे जो जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुज्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब निगम भी परिवहन विभाग की इस तर्ज के ऊपर जल्द ही जयपुर शहर के अंदर जो ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित करेगा और कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में कमी लाने के नगर निगम की ओर से पूरे प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।